रिया चक्रवर्ती अपने इतने महंगे वकील की फीस कैसे देती है, इस बात पर पिछले काफी समय से चर्चा चल रही है और अब सतीश माने शिंदे ने इस बात का जवाब दे दिया। सतीश माने शिंदे ने कहा कि पिछले काफी समय से मुझे इस बात के लिए ट्रोल किया जा रहा है कि क्या मैं रिया का केस फ्री में लड़ रहा हूँ, तो आज मैं उन सभी को जवाब देना चाहूँगा। दरअसल आज तक से बात करने के दौरान जो है उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से मीडिया और सोशल मीडिया पर मुझे और मेरे क्लाइंट को फीस के लिए ट्रोल किया जा रहा है, ये बेहद गैर जरूरी है और गलत भी है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं उनका केस फ्री में लड़ रहा हूँ, ये बात भी सच नहीं है। फीस का मैटर जो है वो मेरे और मेरे क्लाइंट के बीच की बात है और जिस तरह से मुझ पर लगातार और मेरे क्लाइंट के बीच की बात है और जिस तरीके से मुझ पर लगातार सोशल मीडिया पर अटैक हो रहे हैं, मैं उन मीडिया हाउस को सिर्फ कहना चाहूँगा कि आप खुश रहिए सब। तो उनका ये कहना है कि मुझे बार बार ये कहा जाता है कि आप इतने महीनों से केस लड़ रही हैं रिया का, तो मेरी फीस जो है रिया कैसे दे रही होगी। मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 साल पहले का ये रिकॉर्ड है कि सतीश माने शिंदे एक दिन का 10 लाख रुपया लेते थे, तो अब जो है ये बात सामने आई कि अगर वो इतने महंगे वकील है तो रिया जो है इतने महंगे वकील के पैसे कैसे दे रही होंगी। और इसी बात को लेकर अब सतीश माने शिंदे ने कहा है कि काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है, बार बार मुझे पूछा जाता है, ये भी कहा जाता है कि मैं फ्री में लड़ता हूँ, लेकिन ये बात जो है मेरे और मेरे क्लाइंट के बीच की है और जो लोग भी मुझे ट्रोल कर रहे हैं मैं सिर्फ उनसे इतना कहूँगा कि वो लोग जो है सिर्फ खुश रहें। और इस बात का लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया कि उनकी फ़ीस कितनी है, रिया उन्हें कैसे पे कर रही है, इतने महंगे वकील को रिया कैसे अफोर्ड कर रही है। इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली, बस कहा कि ये मेरे और मेरे क्लाइंट के बीच की बात है।